नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग अपडेट है। सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपके सहायक शिक्षक की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर स्टे लगा दी गई है। जी हाँ, पूरे विस्तार से बात करूँगा, सब कुछ बात करूँगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती में लगा स्टे। क्या है स्टे, इसके पीछे जो स्टे लगने की वजह, तो बीएड को जो प्राइमरी में हटाया गया है, जैसा आप सभी जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, जिसके अंतर्गत अब बीएड वाले साथी जो है प्राइमरी में पात्र नहीं हैं। अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्राइमरी में बीएड को अभी तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले का है। इसलिए जो है ये जो मामला कोर्ट में चला गया था, जिसके वजह से सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में स्टे लगा दिया गया है। चूंकि परीक्षा हो चुका है, इसके ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें स्टे लग चुका है। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। विल फाइल रिप्लाई, ये इसमें जो है फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है परीक्षा तो ले ली है, लेकिन अभी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिख दिया कि बीएड जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है राजस्थान, तो तब तक कम से कम फाइनल ना। इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है वो टीचर के लिए है, और सब्जेक्ट मैटर असिस्टेंट टीचर का है, और 127 असिस्टेंट टीचर केस है, मगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जिसमें स्टे मांगा है वो टीचर का एडवर्टाइजमेंट निकला है। आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम आपकी जानते हैं क्या है, पैरेलल है वहाँ पर, तो जो वहाँ होता है वो यहाँ होता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है ना। लिख दीजिए, टाइम दे दीजिए इनको, 2 हफ्ते का समय फॉर काउंटर, 2 वीक्स फॉर रिजॉइंडर, और द लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन हो चुका, मतलब प्रोसेस इज अंडर वे बट इट हैज नॉट येट बीन फाइनल, है ना। Considering the said argument of the counsel for the brief and considering the law laid down by the apex court on the issue in question, of the Supreme Court, the final selection shall not be made final, है ना? तो अभी आपने देखा साथियों कि ये जो प्रमुख वजह है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को निरस्त किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के जो बीएड वालों को प्राथमिक में लेने वाला जो 2018 में आदेश जारी किया था कि अब बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में भी पात्र हैं, तो इसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के बीएड प्राइमरी वाला जो आदेश है उसी आदेश को रद्द कर दिया गया है। चूँकि वो आदेश रद्द हो चुका है, तो जितने भी राज्य हैं वहाँ पर यदि प्राइमरी टीचर में बीएड को लिया जा रहा है तो उसमें भी हस्तक्षेप कर किया गया है। यही वजह है हमारे प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती चल रही है 12,489 पद पर, जिसमें वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक में बीएड पात्र हैं, और उनकी पात्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से ही ये जो सुप्रीम आपका हाई कोर्ट में स्टे लग गया है। साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा जो है स्टे लग गया है, ये जो खबर है निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं बात करूँगा कुछ भी जैसे हमें ताज़ा तरीन जो अपडेट मिलती है, हम इससे जुड़ी अपडेट आप सभी साथियों तक साझा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।